اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاه والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأوصيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاعة في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين حمار زاد أزمة हमारे लिए सबसे बड़ी बुलंदी यह है कि हमारी नस्बत अहलबैत अलमसलात वसलाम के साथ हैं और ये रिश्ता ये नाता ये ताल्लुक ये नस्बत चाहे कितने ही ज़माने कितनी ही रुकावटें क्यों ना हमारे दरमियान आती रहें हम कभी भी इस नस्बत और अपने दरमियान किसी चीज़ को हाइल नहीं होने दे सकते और कल मैंने कोशिश की कि मस्कत मैं आप लोगों के लिए मजलिस का इनका बाकायदा अहतमाम के साथ हो सके लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहीं अनडेबल थी तो आज मैं कोशिश करूँगी कि हम किसी हद तक आ, उसका जुबरान कर सकें जो जोरिक करबला है उस मारके का जो ताज जिस हस्ती के सर पर है देखिए हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि करबला का ताज करचे सैदुलशहदा के सर पर है और बेशक आपने उस मारके को उस करबला की जंग को एक ऐसे नतीजे तक पहुंचाया कि तारीख़ आलम सजदारेज है उसके आगे लेकिन उसकी विरासत जिसके जिम्मे आई जिसने उसकी नियाबत की है जो उसका खलीफा करार पाया है जो उसका नुमाइंदा करार पाया है हम उस हस्ती को सिर्फ बीमार कमज़ोर ज़ईफ़ असीर या मुसाफिर के तौर पर नहीं देख सकते बल्कि हमारे लिए इमाम जैन अब्दीन आसलात की ज़ात जो है वो गाजी हैं करबला के वो वाह मुजाहिद है करबला का जो वहाँ से जिंदा अपने अजीम मकसद की तरवीज के लिए अल्लाह ने अपनी मसलहत और अपनी हमत की बुनियाद पर वहाँ से उनको रवाना किया है और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो जहाद जो महाज सैदुलशहदा का है उसमें और जो महाज इमाम जैन आबिदीन का है उसमें फ़र्क है फ़र्क सबसे बड़ा यह है कि इमाम हुसैन व वसलाम ने जब जंग की है तो आपके साथ नासरीन थे आपने बाकायदा ऐलान किया और फिर आपने अपने दुश्मन के सामने अपने हथियार को या अपने दिफा को रखा है जबकि इमाम जैनिद्न के सामने हम जानते हैं ये वाहिद इमाम है जिसकी इमामत का आगाज़ आग के शोलों में हुआ यह वाहिद इमाम है कि जिसकी इमामत के आगाज़ के वक्त तारीख़ आलम का उमवी ख़ानदान का सबसे जाहिल सबसे फासिक सबसे फाजर और सबसे गुनाहगार शख्स हुक्मरानी कर रहा था ये वाद इमामत है जिसके आगाज़ से पहले इमाम को बाह कर दिया गया वो भी नारा तकबीर के साय में और फिर तारीख़ गवाह है कि जो वाक़ात आपके सामने रोनमा हुए आपकी इमामत में वो आ, इस्लामी ममलिकत का सबसे पस्तरीन दौरानिया था जो करबला के बाद हुआ माबाद करबला हम जानते हैं आपके सामने शाम था शाम एक ऐसी जगह थी जहाँ हाफ सदी से यानी तकरीबन कोई चालीस साल से लोग अमीरम्न अली इबन अबी बल सलासलम को ना सज़ा कह रहे थे फिर उसके बाद जो दूसरा वाक़ा उसके एक साल या दो साल के बाद पेश आया वह था जनाब जब कुब्रा की शहादत फिर उसके बाद वाक़ हर्रा जिस पर खान ख़ुदा पर हमला किया गया मिनजनीक़ से खान खुदा का के गिलाफ़ को जलाया गया फिर रसूल पर इस तरह का हमला हुआ कि दो हज़ार दो हज़ार सहाबी रसूल कत्ल कर दिए गए कत्ल आम मुसलमानों का ख़लीफ़तमसलिमीन के हाथों हुआ फिर जनाब अमीर मुख्तार का जो क़याम वो इसी ज़माने में हुआ जो आपने इमाम हुसैन के ख़ून के इतकाम के लिए किया तवाबीन का जो क़्याम था वो भी इसी ज़माने में हुआ जो इमाम हुसैन के ख़ून के इतकाम के लिए हुआ फिर इब्न ज़ुबैर ने भी उबैद अब्दुल्ला इबन ज़ुबैर ने भी जो क्याम किया वो भी इसी ज़माने में इसी दौरान ये में हुआ लिहाजा जो आप कहें सबसे ज़्यादा अनहतात और इहराफ और पस्ती और कन्फ्यूजन और कभी कोई कयाम और कभी कोई अपनी आवाज़ को उठा रहा है और जो लीडरशिप है वो सबसे फिसको फजूर यानी आप सोचें मुसलमानों की खिलाफ मुसलमानों के मनसब खिलाफत पर महमद वसल्लम की खिलाफत का दावा जो करता था कि मैं मोहम्मद सल वसलम का खलीफा हूँ वो वो शख़्स था कि जो अपने हाथ में सोने और चांदी के बर्तन लेकर कहता था मोहम्मद ने इसको हराम किया लो मैंने हलाल कर दिया अगर ऐसी नयाबत हो तो इस्लाम किस नहींज पर आता है लिहाजा जो इमाम आबिदीन आसलात वसलाम का महाज था वो अक्सर मुख्तलिफ था और मेरी जान क़ुरबान आपके उस जिहाद पर जो आपने किया है जो आपकी स्ट्रेटजी थी जो आपकी सियासी बसरत थी जो आपने आ, उस ताकत के सामने नज़रबंदी ज़बान बंदी के साथ मुकाबला किया है वो सबसे ज़्यादा अनोखा पहला तरीक़ आपने दुआ का अपनाया कोई आपके पास आता और आपसे कहता कि हमें औलाद हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें औलाद दे तो आप फरमाते थे कि मैं क्यों ना वो दुआ तुम्हें तालीम दूँ मैं क्यों ना तुम्हें दुआ करना सिखा दूँ क्यों सिर्फ़ तुम्हें दुआ दूँ दु? कि तुम ख़ुद भी उस दुआ को मांगो लोग कहते चाँद नज़र आया है रमज़ान का आप दुआ कीजिए आप फरमाते मेरे साथ बैठो मैं दुआ करता हूँ रिवायत है आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी इसलिए जब आप की तिलावत करते तो बुलंद आवाज़ में करते यहाँ तक कि मदीने वाले शहर के शहर मदीना के रहने वाले आपके घर के दरवाज़े पर आकर बैठ जाते और की तिलावत को सुनते पच्चीस हज पाप्यादा किए इतने सफ़र किए और कभी मैदान अरफात में कभी खाना खुदा में कभी मदीने में जहाँ पर आपके अतराफ लोग जमा हो जाते आप उन्हें करबला की याद दिलाते कभी खाना खाते हुए कभी बाज़ार से गुज़रते हुए कभी मुसाफिर को देख कर कभी पानी पीते हुए आपने जो मकसद और जो मज़लूमियत सैद शहदा है उसको ज़िंदा रखा और उसके बाद हम आपकी सीरत में ये भी देखते हैं कि आपके पास बड़े बागात थे जो आपके हिस्से में आए थे आपने उन बा के लिए हर साल दो हज़ार गुलाम ख़रीद थे और 2000 गुलाम आज़ाद कर देते 2000 गुलाम ख़रीद कर हर साल आज़ाद कर देना क्या वजह है कि आपने इस तरह की हमत अपनी अपनी हमत हिक, अमली अपनाई आपके पास जो 2000 गुलाम थे मैं दो गुलामों की मिसाल देती हूँ जो आपने अपने पास रखे और फिर उनको आज़ाद किया पहला गुलाम जनाब अबू हमजा समाली है अबू हमजा समाली कौन है जब माह रमज़ान आता है तो हम अक्सर आप सुनती होंगी किलमा तकीद करते हैं इन तिलावत करात भी करते होंगे उस दुआए अबू हमजा समाली की। जो ग़ुलाम है इमाम का एक साल के लिए वो ऐसी दुआओं को इमाम से नकल करता है जनाब सईद बिन जुबैर इमाम के अहाब में से इमाम के ग़ुला आज़ाद करदा गुलामान में से ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि हजाज अपने यूसुफ़ी जो तारीख़ इंसानियत का सबसे श्फाक तरीन बादशाह गुज़रा है उसने सीद बिन जुबैर को हुकुमरान गुज़रा है उसने सीद बिन जुबैर को गिरफ़्तार किया और कहा कि इसकी ज़बान को ख़रीदो ये जो खुतबे देते हैं ये जो अशार कहते हैं ये जो कसीदा गोई आले रसूल की करते हैं इसके बदल इसकी ज़बान पर हमारी फजीलत जारी होनी चाहिए लिहाजा सीद बिन जुबैर को गिरफ़्तार करके यूसुफ़ यूसुफ़ी थक्व, थक्व, के पास लाया गया और जब लाया गया तो इसने अपना मुद्दा बयान किया जनाब सद बिन जुबैर ने कहा वल्ला मेरी ज़बान सिवाय आल मोहम्मद के किसी और की अजमत का तस्करा नहीं करेगी जब ये कहा तो स, आ, हजाज ने यूसफ़ी ने कहा फिर उसका एक ही रास्ता रह जाता है वो ये कि हम जिस चीज़ को तुम अपने लिए फजीलत का बायस समझते हो यानी अहलुल अहलैत और अल्लाह की खुशनुदी हम उसी को तुम्हारे लिए रज़ीलत बना लेंगे लिहाजा उसने कहा कि जनाब सईद बिन जुबैर का रुख़बले की तरफ़ करके इन्हें इनका सर तन से जुदा कर दिया जाए जैसे ही जनाब सईद बिन जुबैर का रुख कबले की जानब हुआ आपने कुरान की आयत पढ़ी वजह तो वजही फतरस रसमावाद कि मेरा तो चेहरा उसकी जानब है उसके चेहरे की जानब है मेरा रुख उसके रुख की जानब है कि जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है फिर उसके बाद जब उसने देखा कि ये वाक सईद बिन जुबैर इस इस शहादत के अंदर भी अपने लिए इज़्ज़त और शरफ़ निकाल रहे हैं लिहाजा कहा इनका मुँह क़बले की तरफ नहीं इनकी किबले की तरफ़ करके इनको शहीद किया जाए जनाब सईद बिन जुबैर की किबले की तरफ़ की गई और आपको शहीद करने की कोशिश की गई तो जैसे ही आपका रुख मोड़ा गया पुश्त बबला किया गया तो आपने फ़रमाया फ़ाई नमा तवल्लु फ़सम मवचल्ला जिस जानब भी रुख करो चेहरा इलाही है जब जनाब सईद बिन जुबैर ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया तो कहते हैं हजा यूसुफ़ सकफ़ी हार मान गया और कहने लगा ज़मीन पर लेटा कर ज़िबाह करूँगा जिनाब सईद बिन जुबैर ज़मीन पर लेटे और आपने फ़रमाया कुरान की आयत तिलावत की फरमाया मिन खलकना को व मिनह नईद क़ों व मिन हाखरजुम हा तारतन उखरा अल्लान में कहता है ज़मीन से पैदा किए गए हैं एक दिन इसी ज़मीन पर पलटा दिए जाएँगे और एक दिन इसी ज़मीन से हम उठाए जाएंगे दूसरी दफ़ा जब उसने ये देखा कि जो भी रुख हो ये ग़ुलाम सैदुलसाजिद्दीन ऐसे मज़बूत नज़रिए का हामिल है कि इसको कोई ज़हर नहीं कर सकता लिहाजा उसने कहा कि इनको एक वार किया जाए और शहीद कर दिया जाए लिहाजा जनाब सईद बिन जुबैर पर हजाज अपने यूसुफ़ सखफ़ी की तलवार जब चल रही थी तो आपने अल्लाह से दुआ की और कहा कि परवरदिगार ये इसका आखिरी वार करार पाए मेरे बाद ये किसी और को शहीद ना कर सके और अल्लाह ने वो आखिरी शहादत थी जो सईद बिन जुबैर की इसके हाथों हुई इसके बाद उसको अल्लाह ने यह इख्तीार मज़लूम की एक आलिम की एक फकीह की और एक हकीकी माना में गुलाम अहल बैत की दुआ को अल्लाह ने मुस्तजाब किया बस जो आपने साल साल के लिए अपने पास दो दो हज़ार ग़ुलाम रखे वो हकीकता आप अपनी आगोश में अपनी पनाह में उनको ले लेते और क्योंकि आप ख़ुद बयान नहीं कर सकते थे तो हर साल दो हज़ार लोगों को अपने पास आप तरबियत देते और फिर वो जाकर लोगों तक आवाम तक माशरते तक हक़ सैदुलशहदा और मज़लूमियत सैदुलशहदा सरत अम्बिया आइम्मा, तालीमात आ रसूल को लोगों के सामने तालीम देते ये आपकी स्ट्रैटी थी कि आप हर साल और कितनी प्यारी है ये बात के रिवायत कहती है कि इमाम का जो गुलाम आज़ाद करने का तरीक़ा था वो इतना खूबसूरत कि आप हर आ, शब कद्र अपना जो रिकॉर्ड था जिसे हम रजिस्टर के हैं जहां आपने सारे गुलामों का नाम और उनकी सारे कवायफ, उनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी उसको आप शब कदर में खोलते और फिर अल्लाह के हुजूर रखते और फ़रमाते परवरदिगार मेरे जितने ग़ुलाम थे उन सबको मैंने आज़ाद कर दिया उनको मैंने तेरी राह में आज़ाद कर दिया फ़ी सभी बस आज की शब तू मुझे नारे जहन्नम से आज़ाद कर दे मेरे पास इनकी मिल्कियत थी मेरे पास इनकी क़ुदरत थी मैंने अपनी कुदरत से इन पर लुत्फ किया है इनके साथ अच्छाई की है परवरदिगार तू भी मेरा कादिरदीर है तेरे पास सब इख्तियार है तू भी मेरे ऊपर लुफ्फ़ करम कर ये मेरे न्याजमंद थे मेरे ज़रूरतमंद थे लिहाजा मैंने अपनी बेनियाजी से इनको दिया है अरहमर राहमीन तू भी अपनी बेनियाजी से मुझे अता कर दे बस इमाम आबिदीन ने ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए जो टाइम जो पीरियड इंतखब किया वो भी बहुत खूबसूरत है कि हर शब कदर आप सबसे बड़ी नेकी को अंजाम देते लिहाजा जिन लोगों ने अब बात आ जाती है कि ये इमाम का किरदार है जो इमाम की ज़ात की हद तक इमाम की स्ट्रैटी है जो रही है बात दूसरी जानब है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इमाम के मकसद को अपने पास अमानत समझा और पूरी जाफिशानी के साथ रखा दो नाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए की तस्वुर कीजिए बहुत ज़्यादा अगर हम डिटेल में ना जाएँ और इस पर आए कि इमाम जो बयान करते हैं हम उसको वसूल करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं तो फिर हमने हक़ इमामत अंजाम दिया है जैसे जनाब अबू हमजा समाली ने जिस तरह जनाब सईद बिन जुबैर ने अगर ये चांद ना हो या ये सितारे ना हो अगर ये रोशन करने वाले चराग ना हो तो इमाम वक्त हल में नासनसुरना की आवाज़ लगाता रह जाता है ज़रूरत इमाम को किस चीज़ की है ज़रूरत इमाम को नासिर की है चाहे वो चौदह सौ साल पहले मैदान करबला के इमाम सैदुल शहदा हों या चाहे वो पैंतीस साल इमाम हुसैन के नाम पर गिरिया करने वाला सैदाजिदीन क्यों ना हो हर इमाम को नासिर चाहिए नुसरत करने वाला चाहिए मददगार चाहिए और चाहे वो आज के ज़माने में मेरा और आपका जिंदा इमाम क्यों ना हो उनको भी नासरीन की ज़रूरत है उनको भी अबू हमजा समाली जैसे चाहिए उनको भी सईद बिन जुबैर चाहिए आज के इमाम को भी इमाम महदिया जल्ला शरीफ को भी ज़रूरत है कि उनके पास भी कोई हबीब जैसा हो हबीब अपने मज़ाहिर जैसा हो आज के इमाम को भी ज़रूरत है कि उनका भी कोई कम्बर जैसा गुलाम बन जाए उन जनाब मुस्लिम की तरह जिस तरह तोआा आईं इस तरह कोई तोआा उनकी खिदमत में आ जाए लिहाजा हम इस बात को 1400 साल पहले के नासरीन के हद तक रख कर बंद नहीं करेंगे बल्कि हम उससे इनहेरिट करेंगे वो जज्बा वो स्पिरिट के उसके तुफैल हम अपनी आज के इमाम को इस ज़माने की हजत को अपने लिए एक ऐसा मंबा समझें जहां मेरी सारी कोशिशें जाकर जुड़ जाती हैं जहाँ मेरी तमाम तरतवानाइयाँ उससे मुतसल हो जाती हैं करबला कभी भी तमाम ना होगी करबला का मकसद कभी पूरा ना होगा अगर हम उसको इमाम वक्त के साथ ले जाकर ना जोड़ें, या फिर हम अपने वक्त के इमाम के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को मुतसिल ना कर लें याद रखिए याद रखिए कि हमारा सबसे अवलिन फरीज़ा यह है कि हम बहत्तर शुदा से जो सरज़मी करबला के बहत्तर शुदा थे उन बहत्तर शहदा से इंस्पिरेशन लेते हुए 313 में शामिल हो जाएं। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी अनवान है पहला और आखिरी अनवान है कि हम उन 313 में शामिल हो जाएं और जब हम आज के इमाम को देखते हैं तो आज का मेरा और आपका इमाम क्या है देखिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कुछ सवाल जो आप लोगों ने भेजे थे इमाम ज़माना के हवाले से मुझे प्राइवेट चैट में ज़ूम पर भी आए थे कि इमाम ज़माना की नुसरत के लिए पहली बात यह है कि इमाम की नुसरत के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि इमाम की मारफ़त हासिल की जाए जितनी ज़्यादा मारफत होती है जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है जितनी आग दिल में ज़्यादा लगी होती है उतना ज़्यादा इंसान काविश मेहनत कोशिश करता है तकर्रब के लिए आ, अपनी तमाम तरसई को लगाता है और जब हम इमाम की मारफत की जाने आते हैं तो देखिए हमने इमाम ज़माना राजरजशरीफ़ को एक ऐसी आ, हस्ती क़रार दे रखा है कि जो घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर आएगी जबकि इमाम का अगर मैं मुख्तसर बहुत शॉर्ट तारुफ दूँ वो ये कि अल्लाह ने तारीख़ आलम में तारीख़ इंसानियत में आज तक ऐसा नहीं किया कि एक इंसान एक इंसान एक निज़ाम लेकर पूरी दुनिया को चलाए पूरी दुनिया को चलाए इमाम ज़माना फरजहु शरीफ जब ज़हूर फरमाएँगे तो आप पूरी ज़मीन को उस तरह इंसाफ से भर देंगे जैसे वो म जोर से भरी हुई होगी तस्वुर कीजिए कि मेरे इमाम का वजूद जो है वो अवलिन और आख़रीन में ऐसा इम्तियाज़ है कि उनसे पहले और उनके बाद जा, उन जैसा कोई नहीं होगा क्यों क्योंकि वो खातम अम्बिया के वारिस हैं जो मेरे नबी ख़ातमनबीन अलात वसलाम का वारिस है वो आदम से लेकर ख़ातम तक फिर इमाम्बिया इमामा अमीर अमअमिन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक जो जो जुल्म हुआ जो जो जबर हुआ जो जो आ, सितम हुआ हर एक का इंतकाम लेंगे और यही वजह है कि जब आप जहूर फरमाएंगे तो आप अपने जहूर के वक्त अपने इंट्रोडक्शन से अपने तारफ़ से ही बताएंगे कि मैं कौन हूँ रिवायत है जब हातिफ निदा देगा और कहेगा बकैतुल्ला खैरकुमकुन तुम्न इस निदा के साथ ही इमाम इन शान ख़ुदा पर हूर फ़रमाएंगे और जब इमाम ज़हूर फ़रमाएंगे तो आप फरमाएँगे अना बकी तुम्मा आदम अन्ा या तुम्माु अन्ना मुस्तफ़ा मिन इब्राहिम व अना, अना सिफ़तमिन महमद ए लोगों में हज़रत आदम के आसार या उनका बाकी मानदा या उनकी निशानी हूँ अना अना मुस्तफा मुतफ़ा इब्राहीम मैं हज़रत इब्राहीम की आल में से चुना गया मंतखब शुदा हूँ व अना याम्नू और हज़रत नूह का जो ख़जाना है वो मैं हूँ व अना मुस्तफ़ा मिन इब्राहीम और हज़रत व अना सिफ़तम्मा महम्मद और जो रसूल सल्ला वसम की अवसाफ़ हैं मैं उन अवसाफ़ का हामिल हूँ अगर आदम की कोई निशानी ज़मीन पर है कि पहले दिन कोई नबी बनकर आया था तो वो निशानी मैं हूँ आदम की नबूवत रोज़ अव्ल जिस दिन आदम को अल्लाह ने पैदा किया खल किया इन्नी फिल अर्दी ख़लीफ़ा का अलान किया उस ऐलान की निशानी फरमाया कि मैं हूँ यानी मैं तनहा एक फ़र्द एक शख्स या इमाम नहीं मैं नबूत का वारिस हूँ अना जख़ख़ीरतुमनु हज़रत नूह ने हम जानते हज़रत नू को आदम सानी कहा जाता है ना कि वो दुनिया का बेशतर हिस्सा उन इनकलाब उनके सैलाब की सद में आया और दोबारा आपने दुनिया को आबाद किया था दुनिया के बड़े हिस्से को आपने आबाद किया था लिहाजा फरमाते हैं कि हज़रत आदम जो तनहा जखीरा ख़जाना या ज़मीन को आबाद करने के लिए अपने साथ जो इक्की या कलीद लेकर चले वह मैं हूँ लसाक़तरतलहा अगर ज़मीन अगर ज़मीन पर अल्लाह की हजत ना हो तो ज़मीन उसके रहने वालों समेत हो, बर्बाद हो जाए फरमाया कि वो ज़ख़ीरा या वो ख़ज़ाना जो हज़रत नूह लेकर चले थे वो मैं हूँ और फिर उसके बाद बनाया फ़रमाया अना मुस्तफ़ा इब्राहीम खान ख़ुदा की दीवारें उठाते हुए हज़रत इब्राहीम खलील अल्लास वसलाम ने अल्लाह से कहा था परवरदगार मेरे इस अमल को कबूल कर ले और फिर तू इमामत को हिदायत को विला नबूत को और अपनी नुमाइंदगी को मेरी आल में से मेरी नस्ल में से करार दे और अल्लाह ने फ़रमाया था लाद हम अपना वादा ालमों तक पहुँचने नहीं देते यानी जो उसका हक़दार है उसको हक़ मिलेगा और अल्लाह ने नस्ल हज़रत इब्राहीम असलातु वसलाम में से कुछ अफरा को अपनी खिलाफत के लिए खिलाफत इलाहिया के लिए चुन लिया और उनमें से एक फरमाया कि अना मुस्तफा मिन इब्राहिम नस्ल इब्राहिम में कोई ऐसा मुसलह नहीं कोई ऐसा असलाह करने वाला नहीं कोई निज़ाम आलम बदलने वाला नहीं जिसका इंतवाब अल्लाह ने किया हो फरमाया मुतफ़ा इब्राहीम मैं अल्लाह का वो इंतखब हूँ जो नस्ल इब्राहिम में से हूँ फिर उसके बाद फरमाया वह अन्ना सिफ़ महम्मद मैं हज़रत वसल्लम की सफ़ात पाक में से अपने अंदर वो सफ़ा रखता हूँ ये बहुत बड़ा दावा है क्यों महमद क्या अदीम कुरान गवाही देता है अल्लाह के तलक़त का नसूल हसना वो बेहतरीन रोल मॉडल अवलिन और आखरीन में उधर अल्लाह ने इन ये दो आयत भेज दी कि जिसको इन्ना नहनू नज़ल न दिख रहा व इन्ना लहूल हाफून कोई भी कभी भी तब्दील कर ही नहीं सकता यानी अवसाफ़ मोहम्मदी की हमसरी कोई नहीं कर सकता अवसाफ मोहम्मदी को अल्लाह ने अपने मुजज़े की तरह ऐसा आला करार दिया इसीलिए कहते हैं अमीर अमअमिन के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या नबी या अमीरमिन आप हमें रसूल्ला के अवसाफ़ बताएँ आपने फ़रमाया क्या तुमने क़ुरान की आयत सुना, सुनी है कि अल्लाह कहता है कुल मत दुनिया कलील ए नबी कह दीजिए कि तुम्हारी ये दुनिया और इसमें मौजूद जितनी भी चीजें हैं ये बहुत थोड़ी सी हैं कहा सुनी है आपने फ़रमाया क्या तुमने कुरान की ये आयत सुनी है खुदा कह चाए वह इन दुनिया तहसूहा कि तुम अगर, अगर अल्लाह की नमतों को शुमार करना चाहो तो कभी भी नहीं गिन सकोगे उसने कहा बेशक मैंने ये आयत भी सुनी है आपने फरमाया कि अल्लाह इस पूरी दुनिया के बारे में कहता है ये थोड़ी सी है खलील है और फिर कहता है कि तुम इस इस दुनिया की नहमतों को नहीं गिन सकते तो मुझे बताओ जिस खुल्के अजीम के बारे में अल्लाह कुरान में कह अन न मैं उस अज़ीम को जिसे अल्लाह ने अजीम कहा उसको कैसे बयान करूं मैं तो दुनिया की नहमतें नहीं गिन सकता लिहाजा जिस किरदार की अजमत ऐसी हो लकदजा नूर का ऐलान अल्लाह ने कर दिया हो उस किरदार की बुलंदी के सामने कोई भी दावा नहीं रखता इसीलिए खुदा परवरदिगार अपने महबूब के इस उस्वय कामिल को किस तरह से कहता है कहता है जमीन पर नाम रखेंगे इस हस्ती इस किरदार इस मुजे को मोहम्मद गुजा उम्मतों में अहमद रसूल खातमनबी सलात वसलाम का नाम आसमान पर उनका नाम रखा गया महमूद उनका जो परचम है वो है लवाद और कयामत वाले दिन जो उन्हें मकाम दिया जाएगा वो है मकाम महमूद लिहाजा मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ़ की गई अहमद जिसकी शिद्दत से तारीफ़ होती रही गुज्तों में और फिर महमूद आसमान पर नाम रखा गया जिसके लिए तारीफ है हाँ मफरूल है ना जिसके लिए तारीफ़ है और फिर उसके बाद अल्लाह ने जो उनका परचम उनका अलम उनका झंडा बनाया लवा उसका नाम लवा लवामद वो इतना प्यारा है कि उसकी तारीफ़ है उनका मकाम जो है वो भी मक़ाम महमूद उसके लिए तारीफ है और ये तारीफ़ है का मतलब क्या है तारीफ़ का मतलब यह है कि जब कोई किसी की बुज़ुर्गवारी के आगे खड़ा नहीं हो सकता उसका मुकाबला नहीं कर सकता उस जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं ला सकता तो उसके पास एक ही चारा रह जाता है कि उसकी तारीफ़ करे जैसे हम दो जहानों के पालने वाले के लिए हर नमाज में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमद है उस खुदा की जो दो जहानों को पालने वाला है हम उसका बदला नहीं दे सकते हम उस जैसे नहीं हो सकते हम उनकी मिसल नहीं हो सकते लिहाजा हमारे पास एक ही बात रह जाती है कि हम ख़ुदा की तारीफ़ करें उसकी सताइश करें बस वो किरदार मुहम्मदी जिसकी तारीफ़ है क्यों क्योंकि वो इतना बुलंद इतना पाकिज़ा है उसके अंदर एक लाख चौबीस हज़ार अम्बिया के मोजात मौजूद हैं तमाम तीन सौ तेरह सहीफों का इल्म मौजूद है उसकी किताब किताब ला रैप किताब लम यज़ल किताब किताब फसल ऐसी है कि जैसी ना जबूर है ना तोरात है ना इंजील है और ना ही तीन सौ तेरह बाकी सहीफ़ों में से कोई सहीफ़ा है ऐसी हस्ती के सामने एक ही चारा रह जाता है कि तारीफ़ की जाए और जो उसका वसी है जो उसका हम कुन्नीत है जो उनका हम नाम है जो उनका हम सिफ़त है सिर्फ़ उसको सजावार है वो कहे अना मिन मोहम्मद मेरे अंदर अवसाफ़ महम्मदी हैं मेरे अंदर तज़ीम महम्मदी है और यही वजह है कि इमाम असरा जल्ला शरीफ़ के अलबात में हमें मिलता है कि आपका एक लक़ब वारिस है वारिस जो ख़ुत गदीर रसूल अल्लाह ने मकाम गदिर में दिया था उसमें आपने फरमाया था कि इस अली की आल में से मेरा वारिस आएगा जिसके अंदर मंजिलत इमामत होगी उलूम और कमालत होंगे वो उसके वो हमारे अवसिया में से और हमारी नस्ल पाक में से होगा यही वजह है कि आपका एक लक़ब मौद है यानी जिसका वादा अल्लाह के नबी ने जिसका वादा अल्लाह की किताब ने दे रखा है और बशरियत बशरियत इंसानियत उसका इंतज़ार कर रही है और इसीलिए हम जब आपकी जियारत नामा पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं असलम या यादा या आप पर सलाम हो अल्लाह की जानिब पुकारने वाले हर इमाम हर मासूम या हर नबी हर रसूल ने अल्लाह की जानिब दावत दी है लेकिन किसी ने भी पूरी ज़मीन और आसमान पर निज़ाम अदल इलाही को बपा नहीं किया जैसा इन शवाम ज़माना अज्जाला तरज उशरीफ़ करेंगे इसीलिए आपका एक लक़ब है मामूल यानी जो उम्मीदों का मरकज़ है तमाम तर उम्मीदें उसकी किसकी मेरी और आपकी नहीं उनकी उम्मीदें जिनको अल्लाह ने हजत बना कर भेजा है जनाब फ़ातिमा तो जहरा की कब्र बेनाम व नशान है उनकी उम्मीद कौन है अमीर अमिन की ख़्र मतहर छठे इमाम के ज़माने में जाहिर हुई उनकी उम्मीद कौन है आज जन्नतबकी पर कोई साया, कोई तज़ीम का निशान नहीं है उन चार हस्तियों की कबूर मतहर की उम्मीद कौन है सैदुलशहदा का कत्ल जो सख्ती और झोर के साथ हुआ उसका इंतकाम लेकर कर कल्ब सैदा की उम्मीद कौन बनकर आएगा लिहाजा आप ना सिर्फ लोगों की उम्मीद हैं बल्कि आप आमा की भी उम्मीद है उन पर किए जाने वाले जितने भी मजालिम हैं उसका इंतकाम लेने वाले हैं और यही वजह है कि हम आपको मंतकम ख़ून हुसैन भी कहते हैं यही वजह है कि इमाम जाफ़र स्वातलात वसलाम फ़रमाते लव अदरकतमतयात ही अगर मैं उन को दर्क करूँ उनका ज़माना देखूं उनके साथ वक्त गुजारूं तो मैं अपनी ज़िंदगी को उनके लिए वक्फ कर दूं मैं अपनी हयात को उनकी खिदमत के लिए गुजार दूं और इसीलिए इमाम जाफर सदसला तो वसलाम सहरा में चले जाते ख़ाक अपने सर पर डालते और फरमाते आह शौकन अला रो यती किस कदर मुश्ताक हूँ मैं उनकी ज्यारत कर सकूँ उनके चेहरे का दीदार कर सकूँ इसीलिए लिए ज़ियारत आल यासिन में भी आपको मामूल यानी आइम्मा की उम्मीद का मरकज़ कहकर याद किया जाता है मुझे बताइए जो चौदह मासूमी या तेरह मासूमी की उम्मीद का मरकज़ है वो हमारे लिए क्या होना चाहिए है वो इमाम वक्त वो इमाम ज़मान और यही वजह है कि आपका लकब नूर आल मोहम्मद है अहलुलबैत में सदक़ आल मोहम्मद हैं आलिम आल मोहम्मद है लेकिन जो आप का इमाम ज़माना का अहसास है वो नूर आल महमद का है जिस तरह ख़ुदा क़ुर में कहता है वल्लाहु मतम नूरी ही वलो करी हल मशरिकून अल्लाह अपने इस नूर को तमाम करेगा चाहे शिर करने वालों पर कितना ही गिरा कदर क्यों ना गुज़रे हम सब जानते हैं कि मेरे मौला इमाम ज़माना जलल्ला तरजरीफ़ का जो ज़हूर है वो अल्लाह की जानब से हतमी इनायत है और इसीलिए इमाम जाफ़र सदसला वसलाम फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की ज़िंदगी में एक दिन भी बाकी रह जाए एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह उस एक दिन को इतना तुलानी कर देगा कि उस एक दिन में इमाम का ज़हूर हो उनकी हुकूमत बपा हो और फिर उसके बाद आ, आप अल्लाह क़यामत की जानब जाएगा फिर इसीलिए खुदा बंद करीम कुरान में कहता है वाला यहदी अल्लाह यह बनूर ही मैशा अल्लाह अपने नूर से लोगों को हिदायत देता है जिन लोगों को वो हिदायत देना चाहता है बस वो हस्ती वो ज़ात जो आइम्मा के लिए उम्मीद का बायस है वो हस्ती वो ज़ात जो अम्बिया के लिए उम्मीद का बायस है वो हस्ती वो ज़ात जो आले अथार में नूर की मानंद है जिसे खुदा वंद करीम ने अपनी आयत अपनी अलामत जमान जिसके हाथ में ज़माना है जिसे साहिब अम्र जिसे साहे साहिब अम्र यानी हुक्म खुदा का मालिक बनाया है जो अल्लाह के हुक्म को इजरा करने वाला है जो नात कुरआन वाद इस ज़मीन पर मौजूद है मैं और आप तब करबलाई हो सकते हैं तब सुनत इमाम आबिदीन पर अमल करने वाले हो सकते हैं अगर हमारी नुसरतें, अगर हमारी कोशिशें अगर हमारा ता, तावन, अगर हमारा वजूद वक्त के इमाम के साथ जुड़ जाए मेरी जान क़ुरबान इमाम ज़ैनलाबिदीन अलात वसलाम की किरदार आलिया पर तारीख़ गवाह है पैंतीस साल मेरे मौला ने गिरिया किया पैंतीस साल गिरिया किया ये पैंतीस साल का गिरिया कोई मामूली गिरिया ना था हम सब जानते हैं कि मौला अगर बाजार में होते तो गिरिया करते तन्हाई में होते तो गिरिया करते कुरान की तिलावत करते तो नौ के नेजा पर इमाम की तिलावत को याद करके इमाम हुसैन की तलावत को याद करके गिरिया करते अगर आप हज करते तो मैदान अरफात में मस, म, मजलिस बपा करते किसी ने पूछा और कहा मौला आप इतना गिरिया क्यों करते हैं मेरी जान कुर्बान मेरे मौला पर आपने फ़रमाया तूने मेरे साथ इंसाफ़ ना किया जनाब यूसुफ याकूब से एक यूसुफ बिछड़ गया वो जानते थे कि वो ज़िंदा है फिर भी उन्होंने गिरिया किया और मेरे अट्ठारह यूसुफ़ बिछड़े नहीं मेरे सामने शहीद कर दिए गए वो सिर्फ़ बिछड़े नहीं मैंने अपने हाथों से उनके पामाल लाशों को दफनाया है मैं क्यों ना गिरिया करूं? अजब नहीं मेरे मौला जवाब ने फरमाए मेरी आँखों ने देखा है कि हमने कितने अहतमाम से करबला में दो मुहर्रम को खैमे लगाए थे फिर मैंने देखा वो खैमे कैसे जला दिए गए मैंने देखा है मैं क्यों ना रहूँ मैंने देखा है कि जहरा आज़ादियाँ भागती थी और उनके पीछे शकी चादर और मकना छीनने के लिए आते थे मैंने देखा है यतीम सकीना कैसे खाक पर सोती थी मैंने देखा है बच्चे किस तरह प्यास से बिलकते थे मैंने देखा है कि बीबियाँ जलते हुए खैमों में एक दूसरे के पीछे कैसे छुपती थी हाय मैंने शाम गरीबा काटी है मेरा मौला कहे मैंने देखा है ऊँटों पर कैसे ना महरमों ने बीबियों को सवार किया था मैंने देखा सबके हाथ बदे थे सकीना का गला बदा था मैंने देखा मेरी बहन सकीना ने पंजों पर सफर किया था मैंने देखा शिमर जैसा पहलवान सकीना को तमाचे मारता था मैंने देखा ऊँट से बच्चे गिरते थे और ऊँट के पाँव के नीचे आकर शहीद हो जाते थे आज नहीं मेरा माला कहे मैंने दरबारे इबने i yeah, deko <laughs> मैंने दरबार में अपने जयात को कह कहा लगाते हुए जैनब का मजाक उड़ाते हुए देखा है मैंने दरबार बाजार देखा जहाँ बीबियों को बरहना सरलाया गया मैंने बाजार शाम हाय शाम है शाम का बाजार देखा जहाँ चारों तरफ आईना बंदी कर दी गई और जहरा जादियाँ एक दूसरे के पीछे छुपती थी मैंने सहमी हुई जहरा जादियाँ देखी मैंने दरबार यजीद देखा उसमें अपने बाबा के तश्त पर खीसरा की छड़ी को मारते हुए देखा मैंने खराबा शाम देखा मैंने खराबा शाम में मरती हुई सकीना को देखा मैंने सकीना की नन्ही सी कब्र में जले हुए कुर्ते में सोती सकीना को देखा मैंने अरबईन पर पलट कर कर में उन वीरान कब्रों को देखा <laughs> अल्लाह अल्ला सैदाजुद्दीन का हक है आप गिरिया करें आपका हक है आप गिरिया करें मैं कहूंगी मेरा मौला मजलूम था नहीं माला मजलूम है इमाम मजलूम है आज भी साज़दीन वीरान हाय बकी की हाय अल बकी की तन्हाई हाय बेसर सामानी मौला की शहादत है हम करबला जाते हैं मातम करते हैं गिरओ करते हैं। सलाम आजादार हुसैन आपकी कब्र पर आज भी सलाम देने की جازت نہیں آج بھی آپ غريبة ویران الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون